वेलकम टू योर रीडिंग लियो सी ये जो प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग है हमें इसमें आपके बारे में क्या पता चलता है इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो या आप जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो ओके क्विक अनाउंसमेंट नाइनटीन ऑफ जुलाई से मेरी ब्लडलाइन हीलिंग वर्कशॉप आ रही है तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं इस वर्कशॉप में हील करना चाहते हैं कर्मा और ट्रामा की एनर्जी को तो यस yes, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल करें ihlterro@gmail.com पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी लियो ओके okay? सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी पास्ट की एनर्जी को समझते हैं क्या हुआ आपके साथ क्या जाना क्या पहचाना क्या समझा आपने क्या यूनिवर्स ने आपको सिखाने की कोशिश की लेट्स सी थैंक यू लियो वन मोर टाइम प्लीज Thank you. We have Ace of Swords. आपका पैराडाइम शिफ्ट दिख रहा है पास में बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ होगा लेट को या अटैचमेंट की डिटैचमेंट uh, की कॉन्सेप्ट्स uh, के साथ हो सकता है आपने काम किया क्योंकि ये है एट ऑफ कप्स का कार्ड स्ट्रेंथ हम्म कमाल कर रहे हो um,

स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व रहे होंगे सेल्फ डिस्कवरी के प्रस्यूट में आपने इनर चाइल्ड हीलिंग या फिर ब्लड लाइन हीलिंग या फिर आप स्पेसिफिक ऐसे ही लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हो डिटैचमेंट कैसे की जाती है लेट को कैसे किया जाता है खुद की डेस्टनी कैसे क्रिएट करनी है ये सारे जो इंटेंस टॉपिक्स हैं इन्होंने जैसे बहुत आपने इनके साथ काम किया है ओके okay? क्योंकि पहला कार्ड ही ये सब सोच का है ये क्लैरिटी का पैराडाइम शिफ्ट का कार्ड है ये ये भी बात करता है कि जो मेरा बिलीव सिस्टम अभी तक चला आ रहा था मैंने उसको चेंज किया ना क्योंकि मुझे पता है कि बिलीव सिस्टम जैसे ही शिफ्ट होता है रियलिटी शिफ्ट होती है तो एफॉर्मेशंस यू नो ये सब चीज़ों ने बहुत समय लिया होगा आपके अतीत में ओके okay? तो ये जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं आप काम करके बैठे हो आप थोड़े मजे हुए खिलाड़ी दिख रहे हो यहाँ पर मुझे ओके तो सेल्फ डिस्कवरी कुछ लोगों ने पास में हीलर बनने के लिए भी मेहनत की है आप हीलर बनना चाहते हो हीलिंग करियर पाथ में आना चाहते हो और उस वजह से अतीत में आपने बहुत सारे एफर्ट भी लगाए होंगे यहाँ पर द फूल कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो चोट खाई अपने जीवन में जो दर्द आपको मिला यू नो आपने उसको भी उसको भी हील करके अपनी इनोसेंस को रिस्टोर करने की कोशिश की आपने धीरे 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 जो कठोर जो कॉन्सेप्ट होते हैं या कठोर एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व होने लगते हैं या कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग पेंट किया करते थे बचपन में लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि लाइफ कठोर हो गई तो वही कठोरता कठोरता को आपने सरल करने की भी कोशिश की होगी पास में आपने कहा कि चलो जो हुआ सो हुआ मैं जो हूँ मैं फिर से वही बनूँ तो थोड़ा सरल बनना इनोसेंस को अपनी को यू you नो know, रिस्टोर करना ये सब चीज़ें आपने की हैं अपने पास में अगेन आप मुझे बहुत मजे हुए दिख रहे हो ऑलरेडी बहुत मजे हुए दिख रहे हो लियो अच्छा खासा काम लगा पड़ा है आपका यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड से कुछ लोगों ने अपनी फिजिकल बॉडी को भी इम्यूनिटी देने की कोशिश की इम्यूनिटी शॉट्स हो सकता है जिम वगैरह योगा वगैरह इन सब चीज़ों को तवज्जो दी आपने क्योंकि आपने ये समझा कि अगर फिज़िकल बॉडी अच्छा महसूस नहीं कर रही तो माइंड से रियालिटी नहीं क्रिएट की जा सकती माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों साथ में काम करते हैं तो मुझे सोल लेवल पर भी अच्छा महसूस करना है फिजिकल लेवल पर भी अच्छा महसूस करना है और मेंटल लेवल पर भी तो फिजिकल बॉडी को भी आपने स्ट्रांग बनाने की कोशिश की पास्ट में अपने ओके बट येस बहुत गहरे लेवल पर आपका पैराडाइम शिफ्ट मुझे अतीत में दिख रहा है लेट्स आपका प्रेजेंट क्या बताता है लियो hmm, यहां एक चीज और नजर आई कोई शख्स ने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप उसको मिलने जाओ कि आप उसको मिलने आओ कोई शख्स है यहां पर जिसने पास में आपके साथ कांटेक्ट किया और इच्छा जाहिर की कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है चाहे यू नो शॉर्ट मीटिंग के लिए सही तो पास में आपने किसी पर्सन से इन पर्सन मीटिंग करने की भी कोशिश की जैसे हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन किसी के साथ कनेक्टेड रहे बहुत समय से तो ए, एक ऊर्जा उठी, उठी तो यहाँ पर दिख रही है ओके okay? right, किसी पर्सन को आप ऑनलाइन तो जानते हो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है तो वाकिफ हो लेकिन वो हकीकत में कैसा दिखता है हकीकत में कैसा लगता है ये इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कि आपको मिली हो ओके लेट्स सी आपका प्रेजेंट क्या है लियो थैंक यू वाओ वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैग्नेट हो इस समय हो माई गॉश वी हैव द टेम्पर ब्लेस्ड 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 एनर्जी ओके वी हैव फोर ऑफ वॉन्स सोने पे सुहागी वाली बात वी हैव एट ऑफ व वी हैव दल क्या बात है आई थिंक ये ये प्रेजेंट के इस प्रेजेंट के ये जो कार्ड्स हैं ना ये अभी तक की रीडिंग्स के बेस्ट कार्ड्स हैं अभी तक जितनी भी रीडिंग्स की है मैंने टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है थ्री ऑफ वॉन्स डेस्टनी आपकी आपका नॉर्थ नोड ओके प्रेजेंट में आपकी उंगलियाँ घी में है लियो ओके okay. प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पहले तो ब्लेस्ड महसूस करवाए जा रहे हो यूनिवर्स की तरफ से या अमूमन अगर आपके साथ नई चीज़ें नहीं भी हो रही ना उसके बावजूद आपके दिमाग में ऐसी बातें भेजी जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से कि ओ माय गॉश लियो तुम कितने ब्लेस्ड हो पहले तो इसलिए ही ब्लेस्ड हो कि तुम लियो हो ओके okay, लियो होना अपने आप में आई थिंक बहुत रिवॉर्डिंग एनर्जी है um, एक तो वो चीज़ और दूसरी आपके पास ऑलरेडी कितनी ब्लेसिंग्स मौजूद हैं आप ऑलरेडी कितने धन्य किए जा चुके हो यू you नो know? तो जैसे बहुत ब्लेस्ड माइंड सेट इस समय मुझे आपका दिख रहा है या यूनिवर्स आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे माइंड सेट में यू नो टैप इन करें एट ऑफ से कम्युनिकेशन के पाथ ओपन हो रहे हैं आपके लिए बातें हो रही हैं इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है कोई पर्सन अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था तो उसके साथ भी थोड़ी थोड़ी बात हो रही है यहाँ पर एट ऑफ वॉन्स से हालांकि ये ऑन ऑफ की एनर्जी हो जाती है तो ये स्टेबल कम्युनिकेशन नहीं है ऐसा नहीं है कि वो पर्सन अब बात कर ही रहा है ऐसा है कि कभी कभी कर लेता है फिर बीच में ऑफ हो जाता है लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन का पोर्टल ओपन है ओके okay? प्रेजेंट में कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं कुछ लोग अपने घर से शायद बहुत डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे होंगे नेगेटिव वे में नहीं बोल रही इसकी आपको एक नई सीनरी चाहिए आप कह रहे हो कि यार मुझे घर से थोड़ा बाहर निकलना है ट्रैवल करना है तो ट्रैवल प्लान्स भी दिख रहे हैं यहां पर रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लियो का एंजल्स के साथ भी बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बना है और इस इस कनेक्शन को बनाने में किसी पर्सन ने आपकी मदद की है ओके okay? कुछ सोलमेट पर्सन हो सकता है सोल फैमिली मेंबर पर्सन हो सकता है ये या फिर आपका लव पार्टनर जो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो ये पर्सन ने भी आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद की है या कर रहा है आपके आपके करंट सिचुएशन में तो एंजल्स आर्क एंजल माइकल आपकी सुरक्षा बढ़ रही है या आप रिसेंटली ये भी हो सकता है कि ऐसे माइंड सेट में है कि आपको अपनी तरफ से सुरक्षा का बहुत ध्यान देना है आपके घर के ताले लगे हुए हैं क्या गैस ऑफ है यू you नो know, दरवाजा पीछे का बंद है जैसे आप बहुत प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव महसूस कर रहे हो अपने जो भी जो भी ब्लेसिंग्स आपके आपके पास ब्लेसिंग उसको लेकर ओके लेकिन बहुत सारी हीलिंग दिख रही है इमोशनल हीलिंग दिख रही है पैसा दिख रहा है यहां पर सेविंग्स दिख रही है यहां पर कर्जे वगैरह है अगर होम लोन लिया है किसी ने तो कुछ लोग लियो यहाँ पर लियो साइन के लोग इस कर्जे को भी चुकता करने के बारे में सोच रहे हैं और आप इसे कर पाओगे आप इससे डेफिनेटली इस डेट को चुका पाओगे एम्पयर okay? से कुछ लियो बिजनेस में भी हाथ हंसमा रहे हैं या ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है और आप इसको इनक्रीज करने की यू you नो know, सोच में हो कैसे इसको और ग्रो करवाया जा सके कैसे इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाया जा सके जैसे आप ऐसी बातों में ऐसी ऐसे विचारों में घिरे हुए हो अपनी अपनी प्रेजेंट की एनर्जी में ओके okay? रिलेशनशिप्स काम हीलिंग कम्युनिकेशन सब चीज़ें यहाँ पर फोकस में हैं। और energy, energy है और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी ब्लेस्ड एनर्जी है ये बहुत यूनिवर्स भी आपको ब्लेस कर रहे हैं हैप्पी रिलेशनशिप्स बिजनेस के नए नए प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ के साथ यू नो साइंस एंड सनकोनिसिटीज़ आपको दिख रही हैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल प्लान्स बन रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपके साथ को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर लियो ओके लेट्स सी आपका फ्यूचर कैसा दिखता है थैंक यू लियो का फ्यूचर हम्म एस ऑफ कप्स की एनर्जी थी वी हैव डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन पेज ऑफ वॉन्स द मोन कार्ड नाइट ऑफ वैन नाइन ऑफ पेंटिकल्स ओके पहले तो मेहनत का फल आपके फ्यूचर में है लियो कोई भी मेहनत इस टाइम की वेस्ट नहीं जाएगी पढ़ाई में भी अगर मेहनत लगा रहे हो करते रहो मेरी जान उसका रिवॉर्ड है आपके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स तो होता ही सेल्फ मेड पर्सन है जो अपनी मेहनत अपनी बुद्धि अपनी कला अपनी ईमानदारी की वजह से कुछ बना हो यू you नो know? तो ये भविष्य में आपके रिवॉर्ड्स हैं सेल्फ मेड एक जो पर्सन होता है वैसे स्टोरी लाइन दिख रही है पैसा दिख रहा है आपके लिए अगेन लोन क्यों आ रहा है यहाँ पर कुछ लोगों का लोन है और आप सोच रहे हो कि मैं इसको चुकता कर पाऊंगा क्या मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर कांट्स में कि आप अपने इस लोन को बहुत आसानी से चुकता कर पाओगे एस ऑफ कप्स है तो आपके जीवन में न्यू लव भी आ सकता है खास करके ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो इस समय किसी किस्म के कह लीजिए कि रिलेशनशिप uh, से हैप्पी नहीं है वही रिलेशनशिप रिप्लेस हो सकता है क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पर एंडिंग एंड देन यू नो न्यू बिगनिंग दोनों की ही ऊर्जा को लेकर आता है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी तो इस समय अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हो तो वो भविष्य में रिप्लेस कर दिया जाएगा बेटर रिलेशनशिप से ओके नाइट ऑफ वॉन्स एंड पेज ऑफ वॉन्स दोनों ही uh, फायर साइंस की एनर्जी लियो सेजिटेरियस एरीज आप कुछ लोगों से भी घिरने वाले हो नए रिलेशनशिप्स आपके सिबलिंग्स की शादी हो सकती है उनकी वजह से जो घर में नए लोग आएंगे वो नए कनेक्शंस बनेंगे नई फ्रेंडशिप्स दिख रही हैं जो लोग यहाँ शादी के बारे में नहीं सोच रहे सिर्फ रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल सूटर्स हो सकते हैं कुछ आपसे उम्र में छोटे होंगे कुछ आपसे उम्र में बड़े होंगे जो छोटे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आ, इनके साथ आपको बहुत जैसे अगेन डिस्कवर करना यू नो एक एक होता ना कि एडवेंचर पर निकलना समझना एक पर्सन को कि हाँ ये पर्सन क्या है धीरे 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 फिर आगे बढ़ना और जो पर्सन यहाँ पर आपके साथ उम्र में बड़े होंगे ये थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि जल्दी से कमिटमेंट दो जल्दी से मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ यू नो तो ये कुछ डायनेमिक्स दिख रहे हैं आपके लिए मोन कार्ड से कुछ लोग अपनी साइकिक पावर्स को साइकिक एबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे आपको ऐसे मौके भी मिलने वाले हैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपके सामने आ जाएगी जैसे कोई वर्कशॉप ही है कि हाँ ये वर्कशॉप से आपकी इंट्यूशन इंप्रूव हो सकती है या ये मेडिटेशन की वर्कशॉप है तो ये ऐसी चीजें आपका पाथ क्रॉस करेंगी और आपका खुद का भी मन होगा कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज को डिस्कवर करूँ मेरे में कौन सी क्लियर व्इंट एबिलिटी है क्लियर ऑडियंट एबिलिटी है मैं उससे पहचानूँ यहाँ पर ओके द मून कार्ड एक चीज़ ये भी बताता है कि आप थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर भी दोगे कुछ लोगों को कुछ लोग कहेंगे कि हमें आपके साथ बात करनी है आप कह रहे हो कि मुझे नहीं करनी या ये वही लोग हो सकते हैं जिस जब जिनसे आपने कभी बात करने की कोशिश की लेकिन उस समय उन्होंने नहीं, नहीं की थी तो जैसे को तैसा ऐसी एनर्जी है यहां पर जैसे बाजी पलट रही हो जैसे अब आप कह रहे हो कि अब मेरी बारी है उस दिन तुम्हारी तो बारी थी ना आज मेरी बारी है तो आप किसी को सबक भी सिखाओगे फ्यूचर में अपने क्योंकि आप कह रहे हो कि जैसे उस दिन तुमने खुद को चूज किया था आज मैं अपने आप को चूज कर रहा हूं ओके तो जैसे मून कार्ड से घूम फिराकर वो साइकिल जैसे रिपीट हो रहा है लेकिन आपके आपके फ्यूचर में मुझे सक्सेस दिख रही है और लोग भी दिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसा भी दिख रहा है ओके लेट्स सी यहां पर आपके लिए एडवाइस क्या है लियो थैंक यू फॉर दैट लियो के लिए एडवाइस क्या है इंडिविजुअलिटी स्प्रिचुअलिटी And surrender. इस समय आपके लिए ये है कि ये कि जो है कि जो सब कर रहे हैं वो मुझे भी करना है जैसे अगर सभी को सक्सेस मिल रही है तो मुझे भी सक्सेस चाहिए या फिर अगर कुछ लोग इस चीज को कर रहे हैं तो मुझे भी वही जैसे पॉडकास्ट है तो मुझे भी पॉडकास्ट करना है यहां पर स्पिरिट आपको ये नहीं कह रहे कि आप वो काम नहीं कर सकते ना ये प्रॉब्लम नहीं है स्पिरिट इज सेम की तुमको कुछ अनोखा करना है जैसे मान लीजिए कि ऐसा पर्सन जिसने पहली बार पॉडकास्ट बनाया होगा और उसको देखकर फिर सभी लोगों ने पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दिया तो आप वो पहले शख्स बनने के लिए पैदा हुए हो आपका है कि कोई नई चीज देना इस दुनिया को इस सोसाइटी को और दैट इज वाई ये जो अभी अभी चल रहा है ना आपके मम्मी के जो सारे कर रहे हैं वही मैं कर दू इसको सरेंडर कर दो कोई ओरिजिनल आइडिया के लिए स्पेस क्रिएट करो अपनी बुद्धि में अपने दिमाग में क्योंकि वो ओरिजिनल आइडिया फिर आएगा ओके okay? आपको आपको जैसे रिप्रेजेंट करना है किसी चीज़ को या फिर वो दावा होता है कि हाँ ये चीज़ मैंने शुरू की थी ना ये चीज़ मैंने दी है सोसाइटी को यू you नो know, एक ऐसी ऊर्जा एंड ये yes, उसके लिए सरेंडर कीजिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी में जितना हो सके स्पेस क्रिएट करना अगेन अपने माइंड में कि मैं ओरिजिनल और नए आइडियाज़ को आने के लिए स्पेस क्रिएट करता हूँ मुझे चैनल्ड हो मैसेजेस मुझे अपने आप से मिले मैसेजेस और उसके लिए मैं थोड़ी साधना करूँ थोड़ा मेडिटेशन करूँ थोड़ा सा जो भर भर के रखता हूँ अपने आप को बाहर की इन्फॉर्मेशन से उससे मैं अपने आप को थोड़ा बाहर निकालूँ यू you नो know, ये आपकी बेसिकली एडवाइस है यहाँ पर लेट्स सी आपके लिए आपके इंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं थैंक यू लियो के इंसेस्टर्स उनसे क्या कहना चाहेंगे थैंक यू फॉर देट रिमेंबर हु यू आर माई गॉड लियो मैं ये वाले जो तीन कार्ड्स का मैसेज दिया ना वो इसको पुख्ता कर रहे हैं आपके एनसेस्टर्स भी आपको ये मैसेज दे रहे हैं याद करो कि तुम कौन हो याद करो कि तुम कौन हो लियो याद करो तुम लियो हो तुम लियो हो तुम यहाँ फॉलोअर नहीं तुम लीडर हो आप वो साइन हो लियो जिसकी वजह से लीडर शब्द एग्जिस्ट करता है आपको ये चीज़ पता है लियो की वजह से ही डिक्शनरी में लीडरशिप एनर्जी लीडरशिप शब्द है क्योंकि आप लीडर हो तो यहां पर अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो ना फॉलोवर वाले माइंडसेट से उसको सरेंडर कर दो याद करो कि आप क्या हो ओके जी ये मैसेज आपके एनसेस्टर्स का है इसके ऊपर लिखा है कल्चर रिजिलियंस बिलीफ क्वेश्चन करने की भी कोशिश करो जो चीज़ों को आप इजीली इस समय एक्सेप्ट कर रहे हो जिसको आपको लग रहा है कि इसको मैंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया ना तो सेकंड मोमेंट में खुद से क्वेश्चन करो कि क्यों कर लिया ऐसी क्या चीज़ है ऐसी क्या खूबी है इस इन्फॉर्मेशन में कि मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस समय थोड़ा सा चैलेंज करने की ज़रूरत है रेयर से रेयर इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना यू you नो know, उसको उसको वेलकम करने की कोशिश करना अपने बिलिफ सिस्टम में उसको रजिस्टर होने देना जैसे इसके लिए आपको थोड़ा सा यू नो डिसनमेंट को यूज़ करना होगा आपके से इस समय आपको आपके कल्चर के साथ भी कनेक्ट करने को कह रहे हैं आपके जो रीति रिवाज हैं उनसे मुंह ना मोड़ें अपने रीति रिवाज़ों को निभाएं अपने कल्चर को फॉलो करें अपने संस्कारों को याद करें यू you नो know, आपके एनसेस्टर सिस्टम में आपको वो पावर महसूस करने को कह रहे हैं जो उन्होंने अपने टाइम में की थी प्राण जाए पर वचन ना जाए यू नो ये अपने आप में एक ब्लड लाइन की कह लीजिए कि ऊर्जा है कि पूरा ब्लड लाइन इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है राम राज्य के बारे में हम यही बात करते हैं यू you नो know, उस पूरे राम राम जी के परिवार से क्या सीखते हैं हम यही तो सीखते हैं ना कि प्राण चले जाए तो जाते हैं तो जाए लेकिन जो वचन है वो हम निभाएंगे हम वचन को नहीं तोड़ सकते सम्भाव ऐसा कोई आपका भी ब्लड लाइन का कोई कल्चर में या आपकी ब्लड लाइन में कोई ऐसी चीज हो सकती है और आपको कहाँ जा रहा है उसको याद करो और उसको फॉलो करो ओके तो यस ये मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का इससे आप अपनी पावर को समझोगे यहाँ पर भालू बेयर स्पिरिट की एनर्जी है ताकत ओके तो यस लियो ये है आपकी ऊर्जा आपकी रीडिंग होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी इनसाइट्स मिली होंगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक like कीजिएगा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा ओके okay? और जो ब्लडलाइन हीलिंग वर्कशॉप है उसके लिए ई कीजिएगा ओके टेक केयर बाय